हे गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द ड्रीम चेजर। तो आज मैं एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, रियल मी एक्स सेवन मैक्स। तो ये फ़ोन आज ही मुझे मिला है, तो अभी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि फ़ोन का बॉक्स में क्या है क्या नहीं है और कैसा है ये फ़ोन। अनकोवर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। ओके, रियलमी, ठीक है। ये फोन है, इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक डाटा केबल मिल जाता है, टाइप ए टू टाइप सी, और अंदर में एक सुपर डार्ट चार्जर 50 वाट का लगता है, मुझे देख लेता हूँ। हाँ, 50 वाट का एक सुपर डॉट चार्जर मिल जा रहा है, और तो कुछ है नहीं बॉक्स में। तो बॉक्स को साइड में रखता हूँ और फोन को देखते हैं कि फोन कैसा है। तो ये रहा फोन, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्लास्टिक का बिल्ड है, ये ग्लास फिनिश नहीं है, प्लास्टिक का ही है। और इसमें जो है एक शाइनी करके कुछ रेनबो जब जैसा है कुछ इफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये रहा, तो इसको ऑन करते हैं। सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जा रहा है और ये एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ओके, तो फोन को सेट करके फिर आता हूँ। सेटअप हो चुका है और ये फर्स्ट बूट था। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है इसमें और एमोलेड स्क्रीन। इसका ब्राइटनेस फुल करके देख लेता हूँ कितना ज़्यादा है। अच्छा खासा ब्राइटनेस है। ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, फिर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह और क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ डिटेल्स में मैं बोलूँगा कुछ देर बाद यूज़ करने के। देख लेता हूँ फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर आता हूँ। फ़ोन को सेटअप करने के बाद अगर आप लोगों को स्पेसिफिकेशन के बारे में बोलूँ तो इसमें डायमेंसिटी का 1200 फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर है, ये 5G प्रोसेसर है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले है विथ 120 हर्ज। 120 हर्ज एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जा रहा है और आपको इसमें अगर ओवरव्यू के बारे में कुछ बात करूँ तो इसमें प्लास्टिक बॉडी मिलता है आपको फाइबर का, और इसमें ग्लास ग्लास मिलता है, पर ये कौन सा ग्लास है रियलमी ने कुछ डिस्क्लोज किया नहीं है अभी तक। और इसमें जो आपका बेजल्स जो मिलता है बहुत कम बेजल्स वाला फ़ोन मिलता है, और इसमें फ्रेम भी प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। इसमें जो एक पॉजिटिव साइड मुझको बहुत पॉजिटिव साइड लगा, ये है हेडफोन जैक आपको मिल जा रहा है। आजकल के फ़ोन में ये हेडफोन जैक ज़्यादातर फ़ोन में नहीं होता है, मिसिंग रहता है, पर इसमें है। और इसमें ड्यूअल स्पीकर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट आपको मिल जा रहा है, और फ्लैक्सी प्रोसेसर तो आपको मिल ही रहा है। ये ऑफर में आपको 27,000 के अराउंड मिल जाएगा, 128 GB का जो वेरिएंट है, पर अभी आपका 27 के आसपास आपको ऑफर में ये फ़ोन मिल सकता है, पर अभी रिटेल प्राइस 28 या 29 के आसपास रहता है इसका। और इसमें आपका 64 मेगापिक्सल का आपका मेन कैमरा सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है और एक आपका अल्ट्रा वाइड का लेंस मिलता है इसमें, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। और सेल्फी क्वालिटी और ये वगैरह हम कुछ दिन तक यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू देंगे। बाकी फ़ोन का इन हैंड फील भी अच्छा है और फ़ोन लाइट वेटेड है। आप अगर आप लॉन्ग टाइम तक भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत वगैरह आपको नहीं आएगा वेट के मामले में। 180 से 190 ग्राम का ही आपका ये वेट में आएगा।
सो ये एक अच्छा बात है। और इसमें एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना तक सपोर्ट मिल जाता है इसको। सो देख लेते हैं, 4K वीडियो सर्च कर लेते हैं और इसको चला लेते हैं एक बार। सो ऐड आ गया, ये पार्ट मैं स्किप कर दूंगा और ये भी। सो मैक्स सेटिंग देख लेता हूँ, साउंड क्वालिटी भी आपको चेक करवा देता हूँ। सो देख सकते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है, ये आपको भी मालूम पड़ जाएगा। स्क्रीन क्वालिटी तो मुझे अच्छा ही लग रहा है आपका। फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ। सो इसका फुल ब्राइटनेस है और मुझे बहुत अच्छा स्क्रीन क्वालिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो एक गाना प्ले करके देख लेता हूँ, सबको मालूम पड़ जाएगा कि साउंड क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। तो यही है जो है, और कुछ दिनों तक यूज़ करने के बाद मैं इसका एक फुल रिव्यू लाने का कोशिश करूँगा। अगर आपको फुल रिव्यू इसका देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बताइए और मैं इसका एक फुल रिव्यू लाने का पूरा कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बाय। We'll be right back.